नमस्कार, ममताज गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मिलेंगे आपको एक नए फूल के साथ। देखिए, उसका नाम है पोर्टुलाका। ये देखिए, बहुत ही सुंदर गर्मियों का ये फूल है और ये कई रंगों में मिल जाता है। जैसे ये देखिए, मेरे पास ये लाइट पिंक है, येलो है, मर्जेंटा है, ये शेडेड वाला है और भी कई तरह के इसमें कलर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको पता ही है कि गर्मियों में फूलों की जो वैरायटी है वो बहुत कम होती है, बहुत लिमिट के फूल होते हैं गर्मियों में, क्योंकि तेज गर्मी होती है, उसमें वो ढंग से पनप नहीं पाते। तो लेकिन ये जितने भी हमारे ये गर्मियों के फूल है, अगर हम इनकी अच्छी देखरेख करें तो हमारी पूरी गर्मी इन फूलों के साथ बहुत अच्छे से निकल जाती है। दोस्तों, ये वीडियो मैंने आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपके घर में भी ये पौधा जरूर होगा और कई लोगों को बहुत परेशानी होती है कि उनके पौधे में फूल ज्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के बता रही हूँ कि इस समय पे हमें ऐसा क्या करना है जो हमारे इन पौधों में बहुत अच्छे फूल खिले और पूरी गर्मी खिलते रहे। तो दोस्तों, उसके लिए देखिए, मैं आपको जो खाद हमने इसमें डालनी है उसके बारे में बताऊंगी। और वो खाद कोई ऐसी महंगी नहीं है कि आपको इधर उधर ढूंढना पड़े कुछ, वो खाद हमें हमारे किचन में ही मिल जाएगी। देखिए, जैसे ये है प्याज। दोस्तों, प्याज हर चीज में इस्तेमाल होता है, दाल में, सब्जी में, सलाद में। तो इस प्याज को हम क्या करते हैं, इसके छिलके निकाल के हम फेंक देते हैं, जबकि अब हमें ऐसा नहीं करना है। इसके छिलके उतार कर हमें इसकी खाद बनानी है। ये देखिए, ये प्याज हो गया। खीरा भी हम हर दिन अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं सलाद के रूप में, तो जो हम इसका छिलका उतारेंगे उसको भी हमने फेंकना नहीं है। ये केला है दोस्तों, ये केले को भी छिलके को हमने बारीक बारीक काट लेना है। ठीक है, तो अब हम ये सब चीज इनको काट के हमने एक पानी में, एक गिलास पानी में इनको भिगो देना है। ये सब चीजें जब हम भिगो देंगे तो इसको हमें 24 घंटे के लिए भीगने देना है, एक दिन कम से कम। ये देखिए, इसको भिगा देना है। ये देखिए, ये मैंने कल इसको भिगा दिया था ये पानी। ये देखिए, ये ऐसा हो जाएगा। इसको फिर हमने छान लेना है और छानने के बाद हमने इसको पौधों में डाल देना है। ये देखिए, ये ऐसा हम अगर हर 15 दिन में करेंगे तो दोस्तों इसमें बहुत अच्छे फूल आएंगे, बिल्कुल आपका जो गमला है वो फूलों से भर जाएगा। तो ये तो हुई इसकी खाद की बात। अब है इसको सनलाइट। इसे सनलाइट बहुत अधिक चाहिए होती, जहां पर आपके घर में तेज धूप आती है तो आप इस पौधे को वहां पर रखिए, तो वो बहुत अच्छा ग्रो करेगा, हेल्दी होगा और बहुत अच्छे आपको फूल देगा। तो दोस्तों, मैं अब ये देखिए, मेरा गमला पूरा ये इससे भर चुका है। ये देखिए, इसमें बहुत सी कलियां आ रही हैं। अब ये 3-4 दिन में ये कम गमला पूरा फूलों से भर जाएगा। दोस्तों, एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि जैसे आपके फूल आने के बाद सूख जाते हैं, ये देखिए जैसे ये सूख चुका है, तो आप इसको तोड़ दें। और अगर आपके यहाँ पर देखिए, इसमें तो खैर कली है, लेकिन बाय चांस आपको ऐसा कोई वो दिखाई दे जिसमें कली ना हो, तो आप उसको हल्की से पिंच कर सकते हैं। जैसे देखिए, मैंने यहाँ पर किया हुआ है ये पिंच, तो उसके बाद यहाँ से बहुत सारी इसकी शाखाएं फूटेंगी और उसमें फूल आएंगे। ये देखिए, यहाँ पर ये कई फूल लग चुके हैं और अब ये कुछ दिन में गमला पूरा फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों, ये है इसका एक रहस्य अच्छे फूल पाने का। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।